बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में आपके अल्कोहल और फिनॉल्स दो टॉपिक हैं। ये एक तरह से पार्ट अल्कोहल का ही है और इसको हम आगे आज फिनॉल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। इन कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट रिंग में अटैच है या साइड चेन में प्रेजेंट है इस आधार पर दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है फिनॉल्स। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उन्हें फिनॉल्स कहते हैं। जैसे यहाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये दो OH डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये तीन OH जुड़े हुए हैं। रिंग में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो जुड़े हुए हैं, तीन जुड़े हुए हैं या और ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस बेसिस पे ये क्रम से है मोनो फिनॉल्स डाई ट्राई और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा सेकंड टाइप के हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स। इनमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ के साइड चेन से जुड़ा होता है और इनको हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। नोमेनक्लेचर। बहुत से फिनॉल्स के स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं, जैसे मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल नाम दिया गया है और मोनोहाइड्रोक्सी टोलुइन को क्रिसोल नाम दिया गया है। इन नामों को ही IUPAC सिस्टम में भी माना गया है। जो अदर कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर इन स्पेसिफिक नामों के डेरिवेटिव के रूप में ही किया जाता है। जो आपके सबस्टिट्यूएंट फिनॉल्स होते हैं उनमें सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन ऑर्थोमेटा या पैरा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपके फिनॉल है, फिनॉल में ये ऑर्थो पोजीशन पे BR या दो नंबर पे BR है तो इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या 2-bromophenol। ऐसे ही इस फिनॉल में पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है तो इसका नाम है पैरा अमीनो फिनॉल। इस वाले में 4-pe-chloro 2-pe-nitro है तो 4-chloro-2-nitrophenol और इस वाले में 2-4-6-trinitrophenol इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है पिक्रिक एसिड। जब बेंजीन रिंग में अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलेट आपके एल्डिहाइड या सल्फोनिक आदि प्रेजेंट होते हैं जिनकी की प्रीफ्रेंस प्रायिकता हाइड्रोक्सी ग्रुप से अधिक होती है तब ऐसे फिनोलों का नोमेनक्लेचर इन कंपाउंडों के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके OH ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप की जो प्रायिकता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज्यादा है इसलिए इसे बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव मानेंगे और इस OH को हाइड्रोक्सी के रूप में लिखेंगे तो इसका नाम है बेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये एसिटोफिनोन के पैरा पोजिशन पे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन
ऐसे ही ये मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो इम्पोर्टेंट फिनॉल्स हैं, इनके भी स्पेसिफिक नेम्स आईयूपीएसी ने भी लगभग मान लिए हैं, वो यहाँ दे रखे हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल में ये फिनॉल C6H5OH, हाइड्रोक्सीबेंजीन या कार्बोलिक एसिड, ऑर्थोक्रिसोल ये टोलुइन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जिसको कि हम क्रिसोल के नाम से जानते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन या ऑर्थोमेथिल फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल में ही आपके ये विशेष नेम है, दो OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑर्थो पे हो तो इसका नाम है आपके कैटिकॉल, आईयूपीएसी में ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का कॉमन नेम है, स्पेसिफिक नेम है रिसोर्सिनोल, और पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम है आपके फिनॉल। ये 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम है कॉमन नेम पायरोगैलोल, और 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम है फ्लोरोग्लुसिनोल। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो फिनॉल है, फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है डायरेक्ट बेंजीन लिंक से अटैच होता है, और हमें मालूम है बेंजीन लिंक के सभी कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ये फिनॉल का ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और यहाँ इस फिनॉल के ऑक्सीजन एटम पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फिनॉल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, जिसमें आपके ये COH बॉन्ड कितना होता है, 109 डिग्री का होता है। जो फिनॉल में बेंजीन रिंग होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, और इस OH ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन में होते हैं, अतः फिनॉल में बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन एटम के ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। इसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्लस आर अनुनाद प्रभाव या प्लस एम मीजोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इससे ये इस तरह की रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये ऑक्सीजन से लोन पेयर गए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यहाँ ओ और बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे ऑर्थो पोजिशन पे, फिर ऑर्थो से माइग्रेट हुए कहाँ, आगे पैरा पोजिशन पे, यहाँ ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, और ये आ गया, फिर यहाँ से ये शिफ्ट हुआ, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आगे वापस से दूसरी ऑर्थो पोजिशन पे, और फिर यहाँ से ये वापस चले गए। इस रेजोनेंस के द्वारा ही फिनॉल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और इस रेजोनेंस के कारण ही ये जो CO बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। फर्स्ट मेथड तो नेचुरल, जो आपके कंपाउंड है कोल तार, इससे बनाने का है। कोल तार में कई मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिनॉल्स का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कोलतार से ही किया जाता है। कोलतार डिस्टिलेशन में जो मिडिल ऑयल होता है और हैवी ऑयल होता है, इसके फ्रैक्शंस में, अंशों में फिनॉल पाए जाते हैं। इन फ्रैक्शंस को ठंडा करते हैं तो उसमें प्रेजेंट उपस्थित नेफ्थलीन का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसे अलग कर देते हैं। जो रिमेनिंग मदर लिकर है, मात्र द्रव है, उसकी हम एक्वस NaOH से क्रिया कराते हैं, तो जो फिनॉल्स होते हैं वो बेस क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके साल्ट बना के सोल्यूबल हो जाते हैं। ये फिनॉल एसिडिक नेचर के हैं, NaOH से रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे, और साल्ट मामले में मटर में सोल्यूबल होते हैं, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड
की क्रिया इस जब ठंडा करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास आउट करते हैं, तो आपके ये वापस हमें फिनोल मिल जाता है और ये सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। और इसके बाद जो इसकी वाटर लेयर है उसको हम रिमूव कर देते हैं, कई बार इसको वाटर से हम वाश आउट करते हैं, और अंत में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके द्वारा हम डिफरेंट फिनोल्स प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड मेथड है डाइएजोनियम साल्ट के हाइड्रोलाइसिस द्वारा। आगे हम सेकंड ईयर में ही जब एमीन्स पढ़ेंगे तो वहां ये रिएक्शन है कि जब अमीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराते हैं तो डाइएजोनियम साल्ट N2Cl बन जाता है, और इस डाइएजोनियम साल्ट से लगभग सभी तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। फिनोल बनाने के लिए इस डाइएजोनियम साल्ट की हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये आपके हाइड्रोलाइज होके फिनोल में बदल जाता है। जैसे हाँ हम मेटाटोलुइडीन की रिएक्शन यहाँ NaNO2 और HCl से कराएं, तो इसमें मेटाटोलुइडीन का NH2 ग्रुप डाइएजोनियम साल्ट में बदल जाता है, N2Cl में बदल जाता है, और इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करा दें डाइल्यूट एसिड से तो मेटाक्रिसोल प्राप्त हो जाएगा। ये आपके लेबोरेटरी मेथड है। तीसरी बनाने की विधि है सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम लवणों द्वारा, फ्रॉम सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। जो आपके सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट हैं उन्हें कास्टिक क्षार यानी कि NaOH के साथ फ्यूज करें तो आपके फिनोल प्राप्त हो जाते हैं एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आपके फिनोल बन जाते हैं। 2C6H5MgBr की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएं तो आपके बन जाता है 2C6H5OMgBr। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं तो यहाँ फिनोल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ BSc के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट मेथड है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो है आपके फ्रॉम हेलोबेंजीनों से फिनोल बनाने की निम्न फॉलोइंग टू मेथड है, दो विधियां हैं। पहली है राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रोसेस। यह फिनोल बनाने की आपके व्यापारिक विधि है। इस प्रोसेस में बेंजीन, वायु वायु यानी कि ऑक्सीजन और HCl, इन तीनों की वाष्प को हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैटलिस्ट क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में पास आउट करते हैं तो आपके क्लोरोबेंजीन बनती है, और इस बनी हुई क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर के साथ हाइड्रोलाइज कराते हैं। ये आपके क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को वाटर के साथ H2 के साथ कराएं तो ये फिनोल बन जाता है। दूसरा मेथड है डाओ प्रोसेस, डाओ प्रक्रम। इस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन की हम सीधे ही हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में बेसिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा फिनोल बनाते हैं। ये बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं FeCl2Cl3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराएं तो आपकी C6H5OH। अगला मेथड है फिनोलिक एसिड्स के डीकार्बोक्सीलेशन द्वारा, बाय डीकार्बोक्सीलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स। जो फिनोलिक एसिड्स होते हैं इनको सोडा लाइम NaOH और CaO के साथ डिस्टिल करें तो फिनोल प्राप्त होते हैं। या आपके सैलिसिलिक एसिड
सैलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन यानी सी डबल एच ग्रुप का रिमूवल, तो इस रिमूवल कर देंगे आपके सोडा लाइम के साथ, चूने के पानी के साथ, तो आपके बन जाएगा फिनोल। एरिल हैलाइडों से हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब एरिल हैलाइड की रिएक्शन कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ कराए तो फिनोल बनते हैं। ये डाउ प्रोसेस में भी था कि हाई टेम्परेचर प्रेशर, यदि इस क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इस Cl ग्रुप का रिमूवल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की जगह आसानी से हो जाता है। यहाँ हम पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, तो बहुत आसानी से ये OH ग्रुप आ जाता है। ये एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन के ऑक्सीकरण से। यह फिनोल बनाने की एक इम्पोर्टेंट व्यापारिक विधि है। क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन या वायु के द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनता है, और इस क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइजेस कराते हैं तो फिनोल और एसीटोन बनता है। जो क्यूमीन है, इस क्यूमीन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस प्रोपीन की रिएक्शन यदि हम कराएं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आसानी से बेंजीन क्यूमीन बना देता है, और क्यूमीन की बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बन जाता है। अब इससे फिनोल कैसे बनता है, ये आपके डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इस ऑक्सीजन पे आपके ये प्रोटोन के जुड़ने से यानी प्रोटोनेटेड हो जाएगा, और प्रोटोनेटेड होने के बाद इसमें रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ बेंजीन रिंग का बॉन्ड अब इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, C6H5 इस O से जुड़ गया और ये H2O रिमूव हो गया, O के बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इससे हो गया एक हाइड्रोजन का प्रोटोन के रूप में रिमूवल, और इस रिमूवल के बाद आपके ये इस तरह से यहाँ और आपके ये यहाँ यानी फिनोक्साइड आयन और ये आपके प्रोटोनेटेड एसीटोन बन गया। अब यहाँ प्रोटोनेटेड एसीटोन से प्रोटोन का ट्रांसफर फिनोक्साइड आयन पे हो जाएगा, तो आपके एसीटोन और यहाँ फिनोल बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक गुण भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जो प्योर फिनोल है वो आपके कलरलेस लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण यह है पिंक या रेड कलर में चेंज हो जाता है। जो फिनोल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और जो करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन टोलुइन, इनके कंपैरिजन में थोड़े अधिक होते हैं, कारण है इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि फिनोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप और या पैरा पोजिशन पे NO2 और C2OH के साथ प्रेजेंट है तो फिर इनमें अंतः अणु इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एसोसिएशन आपस में मॉलिक्यूल्स का खत्म हो जाएगा। ये सारे बातें हम एल्कोहल के चैप्टर में अलग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में पढ़ चुके हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होंगे, इनके कम हो जाएंगे। ये वाटर में आपके स्पेरिंगली सोल्यूबल अल्पबले या आपके अनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये फिनोल फेनिल ग्रुप बेंजीन रिंग
का साइज बड़ा है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। ये इसलिए ये या तो स्पेयरिंगली सोल्यूबल होते हैं या फिर आपके अनसोल्यूबल होते हैं। वाटर में ये स्पेयरिंगली सोल्यूबल या अल्कोहल हैं, तो फिर ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एल्कोहल और ईथर, इनमें ये आसानी से घुल जाते हैं। इनकी नेचर एसिडिक, वीक एसिडिक होती है। एल्कोहल में पढ़ा था तो एल्कोहल तो और भी ज्यादा वीक थे, वो तो लिटमस पेपर को अनअफेक्टेड, कोई प्रभाव ही नहीं डालते थे उस पर, लेकिन ये प्रभाव डालते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लेकिन ये केवल स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्शन करते हैं, वीक बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने में यह असमर्थ होते हैं, यानी कि इनकी नेचर वीक एसिडिक होती है, ये आपके टॉक्सिक नेचर के हैं। इनका उपयोग एंटीसेप्टिक गुणों के रूप में करते हैं। कुछ फिनोल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट है और आपके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो आपके यहाँ दे रखे हैं। जैसे ये फिनोल, फिनोल का आपके बॉइलिंग पॉइंट 182 और आपका मेल्टिंग पॉइंट 41 और ये आपके के की वैल्यू है 1.1 × 10⁻¹¹। ऐसे ही क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, किनोल। अब है इसका एसिडिक नेचर। जो फिनोल्स हैं वो वीक एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग से ही कर पाते हैं। और जो वीक बेस होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, उनसे रिएक्शन नहीं कर पाते, उनसे साल्ट नहीं बना पाते। ये जो स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे आपके एल्कलाइन मेटल्स और आपके स्ट्रॉन्ग बेस, उनसे रिएक्शन करके फिनोक्साइड साल्ट बना लेते हैं। 2C6H5OH plus NaOH gives sodium phenoxide plus water. 2C6H5OH plus 2Na gives sodium phenoxide and liberated hydrogen gas. Phenol K की वैल्यू है 10⁻¹⁰ से 10⁻⁸ से 10। एल्कोहल की है 16 to 18, यानी कि एल्कोहल की तुलना में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी तुलना में ये वीक एसिड है। यही यहाँ पे हम अगला टॉपिक है, एल्कोहल एंड फिनोल की एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। एल्कोहलों में जो OH ग्रुप होता है ये क्या प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो प्लस आई इफेक्ट के कारण एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन आपके रिपेलिंग ग्रुप है, जो ऑक्सीजन एटम पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह अपने से अटैच हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं कर पाते और ये वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इनकी कंपैरिजन में जो फिनोल है, उन फिनोल में जो बेंजीन रिंग है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी होती है। इसके साथ साथ ये आपके प्लस आर प्रभाव, मीजोमेरिक प्रभाव से भी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो एक माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग एज वेल एज द प्लस आर इफेक्ट, ये आपके ऑक्सीजन एटम फिनोल्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो ये अपने से जुड़े हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इजीली प्रोटॉन के रूप में रिलीज हो जाता है, एसिडिक नेचर शो करने लग जाता है। इसके साथ ही एक दूसरा कारण भी है कि एल्कोहलों से बनता है एल्कोक्साइड आयन, फिनोल से
प्रोटॉन रिलीज होने के बाद बनता है फिनोक्साइड आयन। इन एल्कोक्साइड आयन में तो कोई भी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस फिनोक्साइड आयन में स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस इफेक्ट होता है जो इस फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज स्थायी कर देता है, यानी फिनोल आसानी से स्थायी फिनोक्साइड आयन बनाने की वजह से यहाँ एसिडिक करेक्टर ज्यादा शो करता है। जबकि एल्कोहल में यदि प्रोटोन रिलीज हो जाए तो जो बना हुआ एल्कोक्साइड आयन में है ये स्टेबल नहीं है, इसमें कोई स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये एल्कोहल आसानी से प्रोटोन रिलीज नहीं करते। जबकि फिनोल अपने से ज्यादा स्टेबल फिनोक्साइड आयन बना देते हैं, इसलिए ये आसानी से प्रोटोन रिलीज कर देते हैं। ये और उसी का टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन। जो फिनोक्साइड आयन है उसमें आपके इस तरह से स्टेबिलिटी हो जाती है, रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट। जो फिनोक्साइड आयन है इसकी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव है, यानी आइसोवेलेंट है। जबकि फिनोल में हमने देखी थी कि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, रिंग में नेगेटिव, डाइपोलर स्ट्रक्चर बनती है। फिनोल में रेजोनेंस से डाइपोलर बनती है, जबकि फिनोक्साइड में आइसोवेलेंट सारी की सारी सेम नेगेटिव चार्ज की बनती है, जिनका की रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन डाइपोलर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में अधिक होता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो फिनोक्साइड आयन है वो फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। तो फिनोल की नेचर रहेगी प्रोटॉन रिलीज करके, एसिडिक करेक्टर शो करके अपने से ज्यादा स्टेबल फिनोक्साइड आयन बना है, यानी कि ये एसिडिक करेक्टर शो करता है। एसिडिटी फिनोल की, उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो फिनोल है फिनोल के कंपेरिजन में फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब यहाँ और उसी में आगे पढ़ रहे हैं कि फिनोल की एसिडिटी पर सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। तो रिंग में किसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के प्रेजेंट होने पर जो फिनोक्साइड आयन है उसके बेंजीन रिंग के नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, यानी कि फिनोल आसानी से प्रोटॉन रिलीज करके इस तरह के स्टेबल फिनोक्साइड आयन में बदलने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी में कमी आ जाएगी, यानी कि जो बना हुआ फिनोक्साइड आयन है प्रोटॉन रिलीज होने के बाद फिनोल से वो आपके अनस्टेबल हो जाएगा, एसिडिटी में कमी आ जाएगी। अब इसी बात को हम कई एग्जाम्पलों के द्वारा समझेंगे। जैसे आपके यदि सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला है, प्लस आई इफेक्ट यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीजमेंट वृद्धि करने वाला, यानी फिनोल से इनकी एसिडिटी कम होती है। अब जो ऑर्थो वाला है उस ऑर्थो वाले में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, यानी इस ऑर्थो क्रिसोल की एसिडिटी इन सभी क्रिसोलों से कम है। फिर उसके बाद ये पैरा क्रिसोल, फिर मेटा क्रिसोल में प्लस आई इफेक्ट काम नहीं करता, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है। तो ये आपके इन दोनों क्रिसोल की तुलना में ज्यादा एसिड, तो यहाँ एसिडिटी का जो सीक्वेंस है फिनोल ग्रेटर देन मेटा क्रिसोल ग्रेटर देन पैरा क्रिसोल ग्रेटर देन ऑर्थो क्रिसोल। दूसरा एग्जांपल है,
यदि सबस्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस एम इफेक्ट डालने वाला हो, तो प्लस एम इफेक्ट में पड़ा है तो प्लस एम के साथ प्लस आई भी होता है और माइनस आई भी होता है। तो इस तरह के दो ग्रुप, फिर माइनस आई और प्लस एम हो, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो फिर उसमें ये मालूम होना जरूरी है कि विच वन इज ग्रेटर, प्लस एम बड़ा है या माइनस आई बड़ा है। इस आधार पर ग्रुप्स आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, जब माइनस आई लेस देन प्लस एम, यानी देने वाला प्लस एम ज्यादा है, खींचने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले माइनस आई की तुलना में। यदि फिनॉल मॉलिक्यूल में NH2 या OCH3 ग्रुप हो तो दो अपोजिट इफेक्ट, एक तो माइनस आई और दूसरा प्लस एम इफेक्ट काम करते हैं। इनमें प्लस एम इफेक्ट पैरा पोजिशन पर अधिक डोमिनेटिंग होता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो स्थिति पर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। अतः जो पैरा डेरिवेटिव फिनोल है उसके कंपैरिजन में वीक एसिडिक हो जाता है, जबकि ऑर्थो फिनोल जो डेरिवेटिव है फिनोल का वो मोर एसिडिक हो जाता है। मेटा डेरिवेटिव की एसिडिटी लगभग फिनोल के जितनी ही होती है, क्योंकि मेटा स्थिति पर मीसोमेरिक इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, माइनस आई इफेक्ट भी डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण कम पड़ता है, जिससे यह फिनोल से थोड़ा सा ही अधिक कम ही होता है। यह आपके ऑर्थोमिनो फिनोल में अमीनो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, माइनस यानी कि रिंग में डेंसिटी कम, इसकी एसिडिटी फिनोल से ज्यादा होगी। यहाँ मेटा पोजिशन पे प्लस एम इफेक्ट नहीं करेगा, ये डिस्टेंस बढ़ गया तो इसमें माइनस आई इफेक्ट भी थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि थोड़ी सी ही ज़्यादा है इस मेटा अमीनो फिनोल की एसिडिटी, या लगभग बराबर है। इस पैरा वाले में क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट तो और भी कम हो जाएगा लेकिन प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, तो इसलिए इसकी एसिडिटी फिनोल से कम हो जाएगी। जब माइनस आई एम प्लस एम से ज्यादा हो, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाला इफेक्ट ज्यादा है, तो इनकी जो एसिडिटी है ऑर्थोमेटा पैरा क्लोरोफिनोल की इस फिनोल से ज्यादा होती है। यदि फिनोल अणु में कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो तो उस पोजीशन में प्लस एम की तुलना में माइनस आई अधिक इफेक्टिव होता है, इसलिए हेलो फिनोल की एसिडिटी फिनोल की तुलना में अधिक होती है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ ऑर्थो पर काम करेगा, यानी ऑर्थो क्लोरोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है। इस मेटा वाले में आपके प्लस एम काम नहीं करेगा, केवल माइनस आई काम करेगा, यानी कि इसकी एसिडिटी इस पैरा से ज्यादा है। इस पैरा में माइनस आई के साथ साथ प्लस एम देने वाला भी काम करेगा, इसकी एसिडिटी सबसे कम है। अब यदि ग्रुप कैसा हो, माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट डालने वाला, तो ऐसी पोजीशन में सभी डेरिवेटिव की जो एसिडिटी है वो फिनोल से ज्यादा होती है। यदि फिनोल मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ सबस्टिट्यूएंट ग्रुप माइनस एम इफेक्ट डालने वाला हो तो फिनोलिक ऑक्सीजन एटम के एकाकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिनोक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस द्वारा डीलोकलाइज करके मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन कर देता है। इस प्रकार फिनोल की एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ देखें हम तो यहाँ फिनोल से ज्यादा एसिडिटी किसकी है, मेटा नाइट्रोफिनोल की, क्योंकि यहाँ केवल माइनस एम इफेक्ट बहुत कम काम करता है, केवल प्लस आई इफेक्ट काम करता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए इससे ज्यादा ऑर्थो की है, लेकिन ऑर्थो में माइनस आई ज्यादा है, माइनस एम भी काम करता है, लेकिन इनमें ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने से इस एच का रिमूवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसकी एसिडिटी पैरा से कम है।
मेरा वाले में माइनस आई माइनस एम दोनों काम करते हैं, यानी कि आपकी सबसे ज्यादा। यदि रिंग में तीन एरो टू हो, जैसे 2,4,6 डाइहाइड्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड, तो इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है वो फिनोल डेरिवेटिव कि जो वीक बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट उससे ही रिएक्ट कर लेता है, ऑल्दो इट डजंट हैव एसिड ग्रुप। ये तीन एरो टू यहाँ सी डबल एच ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी यह इतना ज्यादा एसिडिक है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह जो वीक बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट उसको डिकम्पोजिशन कर देता है, इसलिए इसका नाम पिक्रिक एसिड है। एग्जाम में भी आप मार्क में इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है कि पिक्रिक एसिड में यद्यपि सी डब्लू एच ग्रुप नहीं है फिर भी यह एसिड कहलाता है, तो इसका रीजन यही है कि तीन एरो ग्रुप की प्रेजेंस से यह फिनोल की एसिडिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि यह जो फिनोलिक ग्रुप है आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरह वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने लग जाता है। सब स्टूडेंट ग्रुप की पोजीशन का भी इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे, जैसे वहां भी हमने करा था कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें आपके माइनस आई माइनस एम इफेक्ट है, पैरा की डेरिवेटिव से इसकी एसिडिटी कम क्यों है ये भी अलग से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ इस तरह की अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इस प्रोटोन का रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रोटोन आपकी अटैच रह जाता है। अब है फिनोल की केमिकल रिएक्शंस। फिनोल में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं जिन्हें आप तीन हेडिंग्स के अंदर पढ़ सकते हो। ऐसी रिएक्शंस जो एल्कोहलों के समान है, ऐसी रिएक्शंस जो एल्कोहलों से अलग है, और इसकी एरोमेटिक रिंग की बेंजीन के समान वाली अभिक्रिया। फर्स्ट है OH ग्रुप की रिएक्शंस जो फिनोल में सेम होती है, जैसे फिनोल सोडियम स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल सोडियम से रिएक्शन करके आपके साल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करता है, वैसे ही फिनोल भी साल्ट सोडियम फिनोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करता है, जिससे एल्कोहल एल्कली हैलाइड से रिएक्शन करके एरोमेटिक ईथर बनाते हैं या एरोमेटिक ईथर बनाते हैं। PCl3, PCl5 रिएक्ट करके वहाँ एल्किल हैलाइड बनाते हैं, वैसे ही यहाँ क्लोरो बेंजीन बन जाते हैं। अमोनिया से रिएक्शन कराएं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो आपकी एनिली बन जाती है, यदि एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो आपके एस्टर फेनिल एसिटेट बन जाता है। ये सब रिएक्शन सेम है जो एल्कोहल और फिनोल दोनों में भी पाई जाती है। अब इस OH ग्रुप की रिएक्शंस जो एल्कोहलों से डिफरेंट है, एक है इसका रिडक्शन, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से यहाँ डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, जिंक के साथ हम यदि इसे हीट करें तो आपके बेंजीन बन जाते हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ गर्म करें तो बेंजीन बन जाती है, लेकिन कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन पे रिंग के डबल बॉन्डों का आपके सैचुरेशन होता है साइक्लोहेक्सेनॉल में। एसिडिक नेचर एल्कोहल जो होते हैं जिस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं उसी तरह ये भी NaOH से रिएक्ट करके C6H5OnNaOH, यहाँ एसिडिक प्रॉपर्टी में फिनोल वीक बेस से भी रिएक्ट कर लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब एक और स्पेसिफिक रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड के साथ, ये हम फिनोल के लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भी करते हैं, फिनोल के एक्वस या एल्कोहली सॉल्यूशन को हम FeCl3 विलयन के साथ मिलाएं तो वो सॉल्यूशन डीप कलर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जैसे FeCl3 सॉल्यूशन के साथ कुछ स्पेसिफिक फिनोल के कलर निम्न प्रकार है, फिनोल और रिसोर्सिनोल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है, कैटिकॉल और ऑर्थोक्रिसोल ग्रीन कलर देते हैं, मेटाक्रिसोल और
पैराक्रिसोल ब्लू कलर देते हैं, क्यूलॉल रेड कलर देता है। इन कलर के द्वारा हम लेबोरेटरी में फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंट कंफर्म करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जैसी बेंजीन में रिएक्शंस होती हैं उनके अलावा भी इसमें स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। जैसे हमने फिनोक्साइडाइन की स्टेबिलिटी के बारे में जब रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी तो वहाँ हमने देखा था कि उसकी वजह से उसमें क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि ये आपके कैसा है, आप एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और ये एक्टिवेटर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि इसमें ESR ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती हैं और बहुत आसानी से बेंजीन के कंपेरिजन में बहुत आसानी से हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इस तरह से हैं, क्रिटल क्राफ्ट एसाइलेशन एसिटिलीकरण, जब फिनोल की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ लुइस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं ऑर्थो तथा पैरा फिनोलिक कीटोन का मिक्सचर प्राप्त होता है। RCOCl की रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो पे आ जाएगा COR, पैरा पे आ जाएगा COR। इसकी मैकेनिज्म, फिनोल AlCl3 के साथ सबसे पहले साल्ट बनाता है, लुइस एसिड के साथ ये रिएक्शन करके ये साल्ट बनता है OAlCl2 नेगेटिव होकर Al पे पॉजिटिव, जो एसिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर फिनोलिक कीटोन बना देता है। अब ये नेम रिएक्शंस हैं जो इसी तरह से एग्जाम में आती हैं। पहली है कार्बोक्सीलेशन या कॉल्बे रिएक्शन, जब सोडियम फिनोक्साइड की हाई प्रेशर 5 से वायुमंडल एटमॉस्फेयर पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोक्सीलेशन, और जिससे क्या बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को कॉल्बे शुमिट रिएक्शन कहते हैं। ये सोडियम फिनोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करने पर पहले सोडियम सैलिसिलेट और फिर HCl के साथ रिएक्शन करने पर आपके सैलिसिलिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म, जो CO2 है ये CO2 आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इसकी ऑर्थो स्थिति पर जाके जुड़ जाता है। ये यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आए तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ये यहाँ नेगेटिव चार्ज और फिर इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन पे यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव के साथ सोडियम यहाँ जाके जुड़ेगा। और जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl निकल जाएगा, सोडियम आपके सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीसरी फ्रीज रिएरेंजमेंट, फिनोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से जो प्राप्त एस्टर है उसको नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन से AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें COR ग्रुप का ट्रांसफर फिनोलिक ग्रुप की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो जाता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर पर पैरा और ज़्यादा 60 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मुख्य प्रोडक्ट होता है। आपकी RCOCl से क्रिया कराएंगे तो जैसे वहां बना था एस्टर एल्कोहल के समान फेनिल एस्टर नाइट्रोबेंजीन, और आपके एनहाइड्रेस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये COR ग्रुप पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, पैरा पे गया तो पैरा डेरिवेटिव, ऑर्थो पे गया तो कम टेम्परेचर है तो ये ऑर्थो मेन प्रोडक्ट है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये पैरा मेन प्रोडक्ट है। इसी को ये तो जनरल रिएक्शन है, यहाँ CH3COCl लेके एग्जांपल फेनिल एसीटेट बनेगा और ये हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। अब उनकी मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ें, जो मैकेनिज्म है वो दो तरह की होती है, एक अंतःअणु क्रियाविधि इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के लिए
दो प्रकार की जो मैकेनिज्म है पॉसिबल बताई गई, एक है अंतराण और दूसरी है अंतराण। इस अंतराण में जो एसिलियम आयन है वो आपके इंटरमीडिएट होता है, जो फ्रीडनक्राफ्ट एल्काइलेशन के समान भी रिंग पर अटैक करता है। ये एलसीएल थ्री से रिएक्शन कराई तो यहाँ साल्ट बन गया एल्यूमिनियम का, और इस साल्ट से RCO इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हुआ, और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे रिएक्ट कर गया तो आपकी ये बना, और बाद में आपके ये फ्रीज रीअरेंजमेंट की अंतःअणु क्रिया विधि है। अंतराणु का क्रिया विधि, इसमें आपके ये बना हुआ एल्युमिनियम साल्ट इस तरह से यही ये COR ग्रुप ट्रांसफर हो गया अणु के अंदर ही अंदर, वहां अंतःअणु में बाहर निकला था COR इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ बाहर ना निकल के यही ट्रांसफर हुआ, और यहाँ से ये H और Cl का रिमूवल हो गए, वो AlCl2 और COR, और यहाँ हाइड्रोजन हो गया और डेरिवेटिव। अगली महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट। एलिल या एरिल ईथर्स को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकेले ही गर्म करें तो उनमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, एलिल फिनोल बनता है, इसे हम क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। इस रीअरेंजमेंट में किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, यह CH2 एलिल ग्रुप कहाँ चला जाता है, ऑर्थो। यदि ऑर्थो पोजीशन भरी हुई है तो कहाँ चला जाता है, पैरा पोजीशन। तो ये रीअरेंजमेंट कहलाता है क्लेजन पुनर्विन्यास। इसकी मैकेनिज्म, यदि हम गामा पोजीशन पर आइसोटोपिक C14 वाला कार्बन परमाणु ले लें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे ये एलिल ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो रिंग में जाके जब जुड़ता है तो ये गामा कार्बन हमने एटम से जुड़ा। इनकी रिसर्च की गई है तो ये मालूम किया गया है कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये आपके अंतराणु विधि से होता है, और इसमें एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो भी आपके अंतराणु मैकेनिज्म होती है उन सब में आपके क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा बनती है। ये यहाँ इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट। और फिर इसमें जब रीअरेंजमेंट हो गया तो ये कहाँ जुड़ गया, स्टार वाले गामा कार्बन से। ये आपके क्लेजन पुनर्विन्यास की अंतराणुक मैकेनिज्म है। जो पैरा है, पैरा में आपके दो स्टेप होते हैं, प्रत्येक स्टेप में आपके बॉन्ड अल्फा, अल्फा के बाद गामा, फिर गामा के बाद वापस से अल्फा, यानी कि अंतिम प्रोडक्ट में अल्फा कार्बन ही से जुड़ा हुआ रह जाता है। इस क्लेजन रीअरेंजमेंट में एक कंसर्टेड डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं।